शरीफ खानदान के गिर्द नैब का घेरा तंग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब लाहौर ने शरीफ फैमिली के दफातर पर छापे मारकर कंप्यूटर्स, लैपटॉप समेत अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। नैब की जानब से छापा सलमान शहबाज और मोहम्मद उस्मान के दफातर पर मारा गया है। नैब के इंटेलिजेंस विंग, सीआईडी विंग 2 और दीगर असिस्टेंट डायरेक्टर हामिद जावेद की सरबराही में छापा मारा। शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के दफ्तर से अहम दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी कंपनियां 55K से ऑपरेट होती थीं। नैब को शरीफ फैमिली की बेनामी कंपनी यूनिटॉस, वकार ट्रेडिंग समेत दीगर से मुतालिक रिकॉर्ड मतलूब था। 55K से मुतालिका रिकॉर्ड गायब किया जा चुका है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने नैब के शरीफ खानदान की मलकियती कंपनीज के दफातर पर छापों की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा है कि नैब हुकाम ने मॉडल टाउन में 55K और 91F पर वाक़े दफ्तर पर छापा मारा है। छापे दोपहर 12:30 बजे के करीब मारे गए हैं। छापे जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार की मिलों से तवज्जो हटाने की कोशिश है।